आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ नाइकी का शूज़, और साथ ही मैं बताऊँगा आप इसके साथ कि मैंने नाइकी का जो शूज़ लिया है नाइकी लाइट फोर्स 3 ब्लैक ब्राइट कैक्टस डार्क ग्रे कलर है, ये 7 नंबर है मेरा साइज़। तो इसके साथ मैं बताऊँगा आपको कि ओरिजिनल और फेक में कैसे डिफरेंस करें पहली बात, और या फिर फ्रॉड से कैसे बचें। पहली बात, आप लेंगे एक अच्छी साइट, जैसे मैंने लिया है पेटीएम या शोर्ड था कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा मुझे इसमें अश्योरेंस देते हैं, वैसे ही आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से भी मंगा सकते हैं। मेरे को पेटीएम से सस्ता मिला सबसे, इसलिए मैंने पेटीएम से लगाया। पहली बात होगी आप साइट अच्छी चुनेंगे, दूसरी बात आप बॉक्स की कंडीशन देखेंगे चारों तरफ से, तो जो कंडीशन आएगी ओवरऑल वो अच्छी होनी चाहिए। ले जो टूटे वाली जो रहती है या बॉक्स डैमेज है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग सेकेंड हैंड लेते हैं और फेक डाल देते हैं उसमें। आपका लेबल देखना है अच्छी तरीके, अच्छा होना चाहिए, देखना है मेड इन इंडिया। मेरा जैसे मेड इन इंडिया है तो मैं चेक करूँगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है कि नहीं होती है। ये हो गई दो बातें। तीसरी बात, इसमें एक बिल आना चाहिए अच्छी तरीके से, जो आपको का जो भी होंगे वो आपको बिल भेजेंगे अच्छी तरीके से, GST वगैरह। फिर आप देखेंगे अंदर क्वालिटी। थर्ड जो देखना है आपको, क्वालिटी देखनी है कितने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं आप। फिर उसके बाद उसमें चेक करने वाले हो आप, दोनों बूट एक साथ ही चेक करिए, दोनों एक जैसे दिखते हैं क्या, आइडेंटिकल पेयर्स है या नहीं। फिर उसके बाद जो आप चौथी चीज़ देखेंगे, मुझे पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं, कि इसके लेसिस लगे हुए हैं। जी हाँ, सारे के सारे लेसिस लगे होने चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया कि आपके सारे के सारे लेसिस लगे होने चाहिए, ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद आप चेक करेंगे ये जो कवर निकाल लेंगे, फिर आप एडवांस हो गए। आप अंदर देखेंगे क्या इसमें प्राइस टैग रहता है, इसमें हर एक शूज़ में यहाँ पे एक टैग रहता है, दिखाना चाहूँगा उसमें भी है। जो मैक्सिमम टाइम रहता है ना जो फेक रहते हैं उसमें ये टैग ही नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये स्टिक किया होगा। इस केस में देखिए अच्छी क्वालिटी का ये जो टैग है, टैग की क्वालिटी चेक कीजिए, ये स्टिकर नहीं है, मटेरियल अच्छा लगा है। फिर ये होने के बाद, ये 5 चीज़ें होने के बाद आप 6वीं चीज़ जो करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने बॉक्स पे आएंगे बाहर। बॉक्स पे आपको दिखेगा ये नंबर 6695 93014, और जो आप अपने उस पे देख सकेंगे 6695 3014। जी हाँ, ये आपका कंफर्म हो गया है कि बॉक्स और ये शूज़ ये आपका 90% ओरिजिनल ही होगा, 99% ओरिजिनल होगा, इतनी अच्छी तरीके से कोई भी फेक नहीं करता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया मेरा मेड इन इंडिया है, अगर ये मेड इन चाइना लिखा है तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि ये फेक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि फेक है। ये टैग ही मेरे ख्याल से तो मेन जो टॉपिक है, वो आपको टैग देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आप देखेंगे उसमें इसकी बिल्ट क्वालिटी, जो आप जो भी एक नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, इसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको फील ही पता चल जाएगा। जैसे ये लेदर है, ये हाथ से ही पता चल जाएगा कि ये अच्छा क्वालिटी का लेदर है। उसके बाद आप 8 जो देखेंगे वो देखेंगे स्टिचिंग, बहुत ही बारीकी से हर एक जगह की स्टिचिंग देखेंगे आप, कहीं से निकली है क्या, कहीं से ग्लू किया है, पेस्ट किया है, रीपेस्ट किया है। जो ओरिजिनल जो नाइकी का रहेगा वो कभी भी आपको रीपेस्ट नहीं करके देंगे, या थ्रेड्स निकले रहेंगे या रीथ्रेड नहीं करके देंगे, वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमेशा एक्सपोर्ट ही सबसे बेस्ट क्वालिटी ही रखेंगे उसमें। जी हाँ, फिर उसके बाद जो आप कर सकते हो 7वें 8वें टाइम
अभी फिर भी आप कंफर्म नहीं हो हुई है, तो इसको आप बेंड टेस्ट कर सकते हैं, बेंड करके देखिए। अच्छे नाइकी का जो सोल है वो बहुत ही स्मूथ है, सॉफ्ट है, तो वो बेंड अच्छी तरीके से होगा और आपके यहाँ पे कोई भी निशान्स नहीं आएंगे। और अगर फिर भी आप अगर चाहते हैं तो सबसे एडवांस तरीका है, सिर्फ सिंपली आप अपना बूट निकालिए, देखिए और ऑफिशियल साइट पे जाइए नाइकी के, और उसकी और इसकी एक्चुअल कंपैरिजन देखिए। जैसे जो टिक है, टिक पे डॉट्स, डॉट्स भी अगर मेरे केस में टिक्स पे डॉट्स है, वो किस पैटर्न में डॉट्स है, यहाँ पे होल्स है, ये किस पैटर्न में होल्स है, ये जो नाइकी लिखा है ये किस पैटर्न में लिखा है, यहाँ पे जो जो पीछे लिखा है वो किस पैटर्न में लिखा है। और साथ ही साथ अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये चीज़ भी ओरिजिनल में अलग होगी। और इसकी सोल मैं बताना चाहूँगा, ये लाइट फोर्स 3 है, इसमें नीचे सिंबल नहीं बना रहता है। ओके, होप करता हूँ आपको ये जो अच्छी लगी रहेगी, और आप नेक्स्ट टाइम आप ख़रीदेंगे तो ओरिजिनल और फेक में डिफरेंस कर पाएंगे। थैंक यू।